हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जे के पेपर्स तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो जो कि बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज के रिलेटेड है इस वीडियो में हम आपसे एक इम्पॉटेंट अपडेट शेयर करेंगे सो so यहां पर जो है जे के बोपी बी नर्सिंग बी एस और बी एस कोर्सेज का सिलेबस था वो यहाँ पर चेंज हो गया है हम आपसे यही सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सबसे पहले अगर हम देखें तो जेके बोपी ने यहां पर कुछ टाइम पहले एक नोटिस निकाली है अपनी वेबसाइट पर जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो पुराना सिलेबस था ई ब्रोचर पर वो कैंसिल हो गया है अब यही सिलेबस जो नया है इसी नोटिफिकेशन के नीचे अब वही से आपको प्रिपेयर करना है सो यहाँ पर हम यही सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे सो यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर है ए इसी में रिवाइज सिलेबस दिया गया है सो so यहां पर है पहले फिजिक्स का सिलेबस इसमें आपके टोटल सिक्सटी मार्क्स हैं पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट इसके आपके दो मार्क्स होते हैं दूसरा यूनिट है काइनामेटिक्स इसके तीन मार्क्स होते, है। है होते हैं फिर यहां पर है यूनिट थर्ड लॉज ऑफ मोशन इसके दो मार्क्स होते हैं फिर यहां पर है यूनिट फोर वर्क एनर्जी एंड पावर इसके दो मार्क्स होते हैं फिर है यूनिट फाइव मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी इसके दो मार्क्स होते हैं फिर यहाँ पर है यूनिट सिक्स ग्रेविटेशन इसके दो मार्क्स होते हैं उसके बाद यहां पर है यूनिट सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर इसके भी दो मार्क्स होते हैं उसके बाद है यूनिट एट थर्मोडाइनमिक्स इसके तीन मार्क्स होते हैं फिर है यूनिट नाइन बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थेरी इसके दो मार्क्स होते हैं फिर यहाँ पर है यूनिट टेन ऑसलेस एंड इसके चार मार्क्स होते हैं उसके बाद है यूनिट इलेवन इलेक्ट्रोस इसके चार मार्क्स होते हैं उसके बाद है यूनिट ट्वेल्व करंट इलेक्ट्रिक इसके चार मार्क्स होते हैं फिर है यूनिट थर्टीन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इसके पांच मार्क्स होते हैं उसके बाद है यूनिट फोर्टीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड आल्टर इसके भी चार मार्क्स होते हैं उसके बाद है यूनिट फिफ्टीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस इसके यहां पर तीन मार्क्स हैं यूनिट सिक्सटीन यहां पर है ऑप्टिक्स इसके सात मार्क्स होते हैं सेवनटींथ यूनिट उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इसके दो मार्क्स होते, है। है होते हैं फिर यहां पर है यूनिट एटीन एटम्स एंड न्यूक्लियर इसके तीन मार्क्स होते हैं यूनिट नाइनटीन यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें आपके टोटल चार मार्क्स होते हैं सो so ये था आपका फिजिक्स का सिलेबस अब यहां पर है केमिस्ट्री का सो so केमिस्ट्री में भी आपके टोटल सिक्सटी मार्क्स होते हैं पहला यूनिट इसमें है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड एटमिक स्ट्रक्चर इसके चार मार्क्स होते हैं उसके बाद यहां पर है यूनिट सेकेंड केमिकल इक्विलिब्रम इसके भी चार मार्क्स होते हैं उसके बाद यहां पर है यूनिट थर्ड केमिकल काइनेटिक्स इसके दो मार्क्स होते हैं फिर यहां पर है यूनिट फोर सोल्यूशनस इसके दो मार्क्स हैं फिर यहां पर है यूनिट फाइव केमिकल थर्मोडाइनमिक्स इसके चार मार्क्स होते हैं उसके बाद है यूनिट सिक्स रिडॉक्स रिएक्शनज एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके तीन मार्क्स होते हैं उसके बाद यहां पर है पीरियडिक प्रॉपर्टीज इसके दो मार्क्स होते हैं फिर यहां पर है यूनिट एट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इसके आपके चार मार्क्स होते हैं उसके बाद नाइन्थ यूनिट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसके भी चार मार्क्स होते हैं उसके बाद यहां पर है यूनिट टेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इसके भी आपके चार मार्क्स होते हैं उसके बाद यहां पर है यूनिट एलेवन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहां पर भी आपके टोटल चार मार्क्स होते हैं उसके बाद यहां पर है यूनिट ट्वेल्व हाइड्रोकारबनस इसमें भी आपके टोटल चार मार्क्स होते हैं उसके बाद यहाँ पर है यूनिट थर्टीन हालो अल्केनज एंड हालो एरिनस इसमें भी आपके टोटल चार मार्क्स होते हैं उसके बाद यहां पर है अल्कोल फिनॉल एंड ईथर्स इसमें भी चार मार्क्स होते हैं यूनिट फिफ्टीन यहां पर है अल्डिहाडस कीटोनस एंड कार्बोक्सिलिक एसडस इसमें भी आपके टोटल चार मार्क्स हैं उसके बाद यूनिट सिक्सटीन यहां पर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इसके तीन मार्क्स होते हैं फिर यहां पर है यूनिट सेवनटीन मॉलिकुल्स ऑफ लाइफ इसमें टोटल चार मार्क्स होते हैं सो so ये था केमिस्ट्री का सिलेबस अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का सो so बायोलॉजी में भी आपके टोटल सिक्सटी मार्क्स होते हैं पहला यूनिट बायोलॉजी का है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इसमें आपके टोटल चार मार्क्स होते हैं दूसरा यूनिट बायोलॉजी का है किंगडम प्लांटे इसके तीन मार्क्स हैं उसके बाद यूनिट थर्ड है प्लांट एनेटमी इसके भी आपके तीन मार्क्स होते हैं फिर यहां पर है यूनिट फोर प्लांट फिजियोलॉजी इसके चार मार्क्स होते हैं उसके बाद है यूनिट फाइव डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इसके तीन मार्क्स होते हैं उसके बाद यहां पर है यूनिट सिक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमोलिक्यूल इसके भी आपके तीन मार्कस होते हैं फिर यहां पर है यूनिट सेवन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसके आपके चार मार्क्स होते हैं उसके बाद यूनिट एट यहां पर है ह्यूमन फिजियोलॉजी इसके भी आपके टोटल चार मार्कस होते हैं उसके बाद यहां पर है यूनिट नाइन रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स इसके भी आपके टोटल चार मार्क्स होते हैं यूनिट टेन यहां पर है जेनेटिक्स इसके चार मार्क्स हैं एलैंथ यूनिट यहां पर है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर इसके भी आपके टोटल चार मार्क्स होते हैं इसमें आपके टोटल तीन टॉपिक्स आते हैं टिश्यू कल्चर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर यूनिट ट्वेल्व यहां पर है इकोलॉजी एंड एनवॉरमेंट इसके आपके तीन मार्क्स होते हैं थर्टीनथ यूनिट यहां पर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इसके आपके टोटल चार मार्क्स होते हैं इसमें आपके टोटल दो चैप्टर्स आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ फोर्टीनथ यूनिट यहां पर है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन इसमें आपके टोटल पांच मार्क्स होते हैं इसमें आपका सेक्स डिटर्मिनेशन और एवल्यूशन आता है यूनिट फिफ्टीन यहां पर है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर इसमें आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का चैप्टर आता है इसमें आपके टोटल चार मार्क्स होते हैं उसके बाद यहां पर है लास्ट यूनिट यूनिट सिक्सटीन इसमें आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशनज इसमें भी आपके टोटल चार मार्क्स होते हैं सो so, ये था रिवाइज सिलेबस अगर किसी को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप जाके उसे वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं सो so, ये था आज का वीडियो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना